नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे किचन में स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। अगर आपके घर पे बेसन ना हो तब भी आप बेसन के लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में हम चना दाल यूज़ करेंगे और चना दाल तो लगभग सभी के घर पे होता है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं चना दाल से दानेदार बेसन के लड्डू। 3 कप चना दाल को पैन में डालकर फिर 2-3 मिनट के लिए इसे चला लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा करके फिर मिक्सर में पाउडर कर लेते हैं। तो हमारा चना दाल पाउडर हो गया है। इस पाउडर को एक छन्नी में छान लेंगे। इस तरीके से आपको घर पे ही मोटा बेसन मिल जाएगा, आपको बाजार जाने की जरूरत ही नहीं है। जो ग्रैन्यूल छन्नी में रह गए हैं उसे हम दोबारा मिक्सर में पाउडर कर लेंगे। इसे दोबारा छन्नी में छान लेंगे। इसके बाद जो ग्रैन्यूल्स बच जाएंगे उन्हें साइड में कर देंगे, उनकी कोई जरूरत नहीं है। छानने के बाद हमें एकदम दरदरा बेसन मिला है। इससे हमारे लड्डू बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार बनेंगे। अब एक पैन को धीमी आंच पर रख के इसमें 4 चम्मच घी ऐड कर देते हैं। घी मेल्ट हो जाने के बाद धीरे धीरे पूरा चना दाल का पाउडर इसमें डाल देंगे। बेसन को हमें पूरी टाइम धीमी आंच पर ही पकाना है। सबसे पहले घी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे धीरे धीरे भूनते रहना है। जो भी गांठे पड़ रहे हैं उन्हें बार बार ऐसे स्पैचुला से क्रश करते रहना है। ऐसे ही 20 मिनट तक इसे भूनते रहना है। इसे बिल्कुल आराम से भूनना है, क्योंकि अगर बेसन कच्चा रह गया तो फिर खाते वक्त मुँह या गले में चिपकेगा। साथ ही इसे अच्छे से भूनने से आप लड्डुओं को ज़्यादा दिन तक स्टोर कर पाएंगे। ध्यान रखिए, पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं भी हमें बेसन को हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना, वरना बेसन जल्दी ब्राउन हो जाएगा और लड्डू कड़वे बनेंगे। बेसन का कलर धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। अब हम इसमें और 3 बड़े चम्मच घी ऐड कर देंगे। अब हम दोबारा से घी और बेसन को मिक्स कर लेते हैं। एक ही साथ ज़्यादा घी नहीं डालना, धीरे धीरे बेसन को भूनते हुए 3-4 बार में घी को ऐड करना है, क्योंकि बेसन भी बाद में अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा और अगर पहले ही ज़्यादा घी डाल दिया तो मिक्सचर गीला बनेगा और आप लड्डू को शेप नहीं दे पाएंगे। अब इसको वापस से रोस्ट करते रहेंगे घी के साथ। अगर आपको चना दाल नहीं पीसना तो आप बाज़ार का मोटा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप फाइन बेसन भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। देखिए, बेसन मॉइस्चर रिलीज़ कर रहा है, पर अब भी ये थोड़ा ड्राई लग रहा है। अगर ये मिक्सचर ड्राई रह जाएगा तो लड्डू सही से नहीं बंधेंगे, इसलिए अब हम लास्ट 2 चम्मच घी और ऐड कर देते हैं। बेसन सॉफ्ट हो जाने तक इसे थोड़ा और रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखें, बेसन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट के लिए ही कुक करना है। पूरे टाइम स्पैचुला से इसे चलाते रहिए, वरना बेसन जल जाएगा और लड्डू डार्क कलर के बनेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बेसन का हमें यही टेक्सचर चाहिए। साथ ही इसे भूनने की बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आपको खुशबू से ही पता चल जाएगा कि बेसन भून चुका है। इस रेसिपी में हमने इन टोटल 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा घी यूज़ किया है। लड्डू के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है, इसे गैस से उतार लेंगे। इसके बाद भी 1-2 मिनट तक आप इसे स्टर करते रहिए, नहीं तो नीचे वाला मिक्सचर ब्राउन हो जाएगा, या आप किसी दूसरे बर्तन में इसे डाल दीजिए। बेसन को ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा ठंडा हो जाने के बाद इसमें 1.5 कप पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। स्पैचुला से चीनी और बेसन को मिक्स कर लेते हैं। हमने चीनी को पाउडर करते वक्त उसके साथ 3 हरी इलायची को भी पाउडर कर लिया था। आप चीनी का भूरा भी यूज़ कर सकते हैं, बस पहले उसके लम्स तोड़ दीजिए और जो गंदगी है वो निकाल लीजिए। अब हम इसमें ग्रेटेड पिस्ता ऐड कर रहे हैं।
ये ऑप्शनल है, इसे भी मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ। आप चाहे तो इसमें मस्कमेलन सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम हाथ से इनके लड्डू बना लेते हैं। अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा ड्राई लग रहा है और लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा और घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा घी की ज़रूरत नहीं पड़ी, इजीली सारे लड्डू बन रहे हैं। और अगर आपको मिक्सचर गीला लग रहा है तो आप इसे थोड़ी और देर के लिए किचन में छोड़ दीजिए। लड्डू बनाने के लिए आपको बस ध्यान रखना है कि 3 कप बेसन में 1.5 कप पिसी हुई चीनी और 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा घी। अब हम लड्डू को प्लेट करके इन्हें ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। वैसे तो ये ऑप्शनल है, पर आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट से इन्हें गार्निश कर सकते हैं। अभी ये लड्डू थोड़े सॉफ्ट है, लेकिन बाद में बिल्कुल बाजार जैसे हो जाएंगे। आपके बेसन के लड्डू तैयार है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।